हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज जो है हम बनाने वाले हैं थोर का जो हैमर इफेक्ट है, तो वो मैं बनाने वाला हूँ। इससे पहले मैंने जो है अपने एक दोस्त के लिए जो एक वीडियो बनाया था, और उसका ट्यूटोरियल मैं सही तरीके से जो नहीं दे पाया था, क्योंकि उसमें जो है बहुत सारा चीज़ जो है मैंने किया और बहुत सारा चीज़ जो है मैं बता नहीं पाया। तो अभी का जो वीडियो है, इसमें मैं थोड़ा डिफरेंट टाइप में और कुछ अलग तरीके से करने वाला हूँ, और मैं कोशिश करूँगा कि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ आपको पूरा जो जो भी मैं काम कर रहा हूँ वो आपको इस वीडियो में आपको मैं दिखा सकूँ और पूरा बता सकूँ कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ। तो ये वीडियो जो है पूरा कंप्लीट रहेगा, और अभी जो शूटिंग कर रहा हूँ तो अभी मैंने शूटिंग भी नहीं किया, तो पूरा प्रोसेस जो है आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप जो कर रहा हूँ इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को आप ज़रूर पूरा देखिए, और आपका कोई सवाल या सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके मुझे भी यूट्यूब पे सपोर्ट कीजिएगा। सो गाइस, जैसे कि आपने मेरे लास्ट वीडियो देखा है और उसका जो ट्यूटोरियल मैंने बनाया था, तो उसमें मैंने कहा था किस तरह से जो है मैंने काफ़ी सारे मिस्टेक किया था, और उसको करेक्शन करने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। तो इस वीडियो में जो है सारी जो गलतियाँ हैं उसको हम नहीं करेंगे, और कुछ चीज़ें जो है मैं इसमें एक्स्ट्रा करने वाला हूँ जो मेरी आगे के वीडियो में एडिटिंग के मदद आ सकेगी। तो सबसे पहले जो है उसमें हमने एक जो है हैमर लिया था, जिसको जो है हमको रिमूव करना पड़ा, और उसके बाद में जो है हमने जो बैकग्राउंड है वो किसी ग्रीन स्क्रीन में नहीं किया था। सो गाइस, इस वीडियो में जो है हम दो चीज़ें जो है करेक्ट कर रहे हैं। पहला तो हम जो है शूटिंग अपना जो है वो ग्रीन स्क्रीन में कर रहे हैं, और दूसरा जो है हमने कोई हैमर ले लिया है। एक मैंने जो है ये जो उसका जो हैमर का जो हैंडल होता है वो मैंने क्रिएट किया है, और इसमें जो है आप देख सकते हैं नीचे ब्लैक टेप मैंने यूज़ किया है, ताकि हम जो है इसका जो दो पॉइंट है इसको ट्रैक कर सकें, और यहाँ जो है हमने ब्लू टेप का इस्तेमाल किया है ताकि हम जो है इसको रिमूव कर सकें। तो ये दो चीज़ जो है इसमें मैंने जो है इस वीडियो में ऐड किया है इसको ट्रैकिंग के लिए, ताकि जो है हमको जो है कैमरा ट्रैकिंग जो मोशन ट्रैकिंग है वो करने में आसानी हो, और इसके अलावा जो हम इसको रिमूव करें तो ज़्यादा हमको जो है मेहनत ना पड़े और एक क्लिक में जो है हमारा ये रिमूव हो जाए। तो ये चीज़ जो है मैंने किया है, आप देखिए इसको भी कर सकते हैं इस तरह से करें। तो ये जो है ये देख लीजिए, ये लकड़ी का मैंने हैंडल जो है लिया है, ये मेरा हाथ का साइज है, और नीचे ये ऊपर नीचे ऊपर जो है ये कैमरा ट्रैकिंग के लिए है, और इसको जो है हम की आउट करके जो है हम इसको रिमूव करने वाले हैं। तो ये है जो नया वीडियो है, इस वीडियो का मेन चीज़, और बैकग्राउंड के लिए हम कोई भी फुटेज ले सकते हैं या फिर कहीं भी कर सकते हैं, मगर मैं जो है फ़िलहाल बैकग्राउंड जो है ग्रीन स्क्रीन यूज़ कर रहा हूँ, ताकि कोई भी जो है अच्छा सा बैकग्राउंड रखा जो है मैं यूज़ कर सकूँ और थोड़ा अच्छा सिनेमेटिक लुक दे सकूँ। सो गाइस, अब जो है हम चलते हैं अपनी शूटिंग की ओर, तो हमको जो है शूटिंग करना है। सो गाइस, शूटिंग के लिए भी जो है हमको पहले वाला वीडियो में जो मैंने आपको टिप बताया था वही करना है। हमको जो है रिवर्स में शूटिंग करना है, यानी कि जो भी हमारा इफेक्ट है, जो हम मतलब जो भी हम एक्शन करने वाले हैं उसको हमको रिवर्स में शूट करना है, और बाद में जो है हम एडिटिंग में जो एडोबी आफ्टर इफेक्ट में उसको जो है फिर रिवर्स करेंगे, तो वो जो है सीधा मतलब सही लगेगा, राइट वे में लगेगा। तो हमको जो हमारा जो मेन जो सीन है, एक्चुअली वो सीन है थोर का जो हैंड है ऐसा करके आएगा, और तो ये सीन है, ठीक है, यहाँ आने के बाद में ये सीन है। तो हमको जो इस सीन को रिवर्स में करना है, तो उसका जो है पहले सोच लेते हैं कि जो सीन है कैसा रहेगा। तो रिवर्स में उसको हमको थोड़ा प्रैक्टिस करना है, जो कि जब हम इस वीडियो को रिवर्स करें तो वो सही हो। सो गाइस, चलिए मैं जो है अपनी वीडियो के लिए जो है कुछ सीन जो है मैं शूट कर लेता हूँ, और उसके बाद जो है हम बाद में डिसाइड करेंगे कौन सा हमारा जो सीन है वो परफेक्ट मैच हो रहा है। तो आपको भी यही करना है, सिर्फ एक ही सीन ने एक ही तरह से नहीं करना है, आप जो है कोशिश कीजिए दो चार जो है सीन जो है आप ट्राई कीजिए, और उसमें से जो बेस्ट आपको जो लगे उस सीन पे जो है आप काम कर सकते हैं। तो चलिए मैं अपने वीडियो के लिए कुछ शूट कर लेता हूँ। तो गाइस, इस तरह से जो है हमारा शूटिंग जो है मैंने कुछ दो तीन क्लिप जो है शूट किया है, और इसमें से देखता हूँ कौन सा बढ़िया सा रिजल्ट जो है निकलेगा एडिटिंग के लिए, और उस वीडियो को जो है हम फिर एडिट करेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एडिटिंग ट्यूटोरियल की ओर।